को भी परेशानी में देखोगे तो उसका कारण मत ढूंढो, उसको उठा। प्रभु में उठा। पिछले दिन प्रभु ने मुझको एक सलाह दिया, नाम नहीं लेना। एक व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, एक व्यक्ति के कारण कलीसिया में कुछ नहीं होता, नहीं होता। एक परिवार के कारण कुछ नहीं होता, कुछ लोगों के कारण नहीं होता, शैतान के कारण होता है। उसको विरोध करना है। हमारा दुश्मन सिर्फ वह है, वो चालाक है। हमारे जन पवित्र है, हमारे जन निष्कलंक है। प्रभु ने मुझे बार बार ये याद दिलाया, मेरे जन पवित्र है। वो मेरे वचन के सामने थर थर आता है, उसको चोरी करता तो चुप बैठता, उसके ऊपर मनमानी करता शैतान तो चुप बैठता। आशा है तो परमेश्वर का वचन को थामे रहता है जीवन में। आशा है इसलिए वचन में नजर डालते हैं। परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे बना रहेगा? कब तक अपना मुकड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? उसका मतलब है आजकल उसको नहीं था, प्रभु उसकी ओर देखता नहीं है। अगर उसको लगता है कि प्रभु देखता है तो ऐसे बिनती नहीं करेगा। मुकड़ा कब तक मुझसे छिपाए रहेगा? अर्थात पहले वो उसका मुकड़ा देखता था, पहले प्रभु की नजर उसके ऊपर लगा रहता था। अब लगता वो मुंह फेर लिया है, नहीं है मुकड़ा उसने छिपाया है। कब तक अपने मन ही मन में मैं युक्तियां करता रहा? जब मैं मेरा मन में मेरे युक्ति के आधार पर कब चलता पता है? परमेश्वर का मुख का दर्शन मुझको नष्ट होता, हमें पता भी नहीं चलेगा। मेरे युक्ति मेरे विचार का मैं अधीन हो जाता, दिन भर अपने हृदय में दुखी। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होगा? धीरे 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 शत्रु मुझ पर प्रबल होगा। इसलिए आप लोगों ने सही अनुमान किया कि ब्रदर दुखी होगा तो शैतान फायदा उठाएगा। सही है, वो दो तरह के दुख है। एक दुख में आप लड़ते हैं, दूसरा दुख में आप पराजय मानते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, कितने भी दुख की अवस्था क्यों ना हो, कितने भी पराजय की अवस्था क्यों ना हो, आप लड़ोगे, आप लड़ोगे, आंसू बहाकर लड़ो, चोट लगा तो भी लड़ो, लेकिन आप लड़ोगे, आप लड़ते रहोगे। नहीं तो क्या होगा? मेरा शत्रु प्रबल होगा, मैं पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे ही टाइटन से क्लास्प हिज होल्ड ऑन मी एंड आई विल नॉट इवन नो। धीरे 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 हुआ मैं ऐसे। जो हमारे एक टीचर था, आप लोग संडे स्कूल में ये कहानी बहुत बार सुना होगा, ये मेढक को ना, मेढक आज एक मेढक को पकड़े, आप मेढक से डरते हैं? नहीं डरता, मुझसे नहीं डरते तो मेढक से क्या डरते? मेढक को पकड़ते, जिंदा मेढक को, लाश को नहीं। और बॉइलिंग वाटर बहुत गर्म, एक बार मेरा मुझे लगता था ना वैसा पानी, ऐसा पानी, ऐसा पानी में मेढक को डालने का क्या होगा? भूम करके कूदी मार जाएगा, मार जाएगा। होता है वो, क्या वो बेवकूफ है क्या? पानी भी नहीं, वही मेढक को पकड़, सादा पानी में डाल और वो बर्तन स्टोव के ऊपर रख, गरम करते जाओ, अच्छा खाना पक जाएगा। कुदी नहीं मारे, नहीं मारे। अब देखो करके तो पता ही नहीं चला। परमेश्वर के मुख के दर्शन पाकर जब हम चलता ना, एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा शब्द है, हमें तुरंत चेतावनी देगा। लेकिन हम धीरे 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 उसको चलता है, धीरे धीरे प्रभाव आता, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये चाहते कि तेरा मुख की शोभा मुझे चाहिए,
तेरा मुख की शोभा मुझे चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है एक परमेश्वर का जन का मार्ग प्रभात की ज्योति समान है, नहीं है? जब मैं उसमें होकर चलूंगा को वो ज्यादा ज्यादा चमक कराएगा, नहीं है? ज्यादा दर्शन आएगा, ज्यादा वचन आएगा, नहीं है? ज्यादा रेवलेशन आएगा, नहीं? ज्यादा उत्साह, ज्यादा समर्पण, उसे मैं पता चलेगा कि परमेश्वर के मार्ग में चलता है। नहीं तो भी मैं बाइबल पढ़ता, मैं बाइबल बहुत कम पढ़ता, बाइबल थोड़ा सा कम पढ़ेगा तो चलेगा। लेकिन प्रभु को आपसे बात करने का अवसर देना, अब प्रभु की बात नहीं सुनता, ये बता है। मैं कहूंगा ये एक मूर्ति समान बन जाए, मूर्ति नहीं, आइडल को क्या कहते हैं, मूर्ति समान बन जाए। ये सिर्फ मुझे खुश करने के लिए है कि मैंने आज बाइबल पढ़ा। कैसे मैं बाइबल पढ़ता, अच्छा अच्छा भाग लेकर मैं पढ़ूंगा, वैसे पढ़ने का व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का पहला भाग पढ़ने का, अच्छा है ना वो, बहुत अच्छा भाग पढ़ने का, या 23 वचन पढ़ने का, हम बड़े खुश हो जाएगा। ऐसे कुछ डॉक्टर लोग हैं, कुछ डॉक्टर लोग काटते हैं, वो लोग आपको कुछ नहीं करता, काटना अच्छा है, क्योंकि प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है मेरा वचन तो दार वाली तलवार है। तो शत्रु तब प्रबल होता जब तेरा मुख मुझसे छुपाया जाता। परमेश्वरी बाबा मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे, मेरे आंख में ज्योति आए दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद, मेरा आंख में ज्योति आना है तो मुझे परमेश्वर का आंख को मेरे आंख को मिलाना पड़ेगा। There is no other way. That I receive heavenly light, and then unless I keep looking into the eyes of my Lord, वहाँ से उपदेश आता, वहाँ से सलाह आता, वहाँ से मार्गदर्शन आता। प्रभु को वचन में लिखा है, चाव की अवस्था हो, अकाल पड़े, सुकंपन हो तो भी, तेरा आंख तेरे उपदेश को देख के रहेंगे। क्या धन्य है ऐसा मनुष्य, अभी ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा जीवन नहीं आता तो मैं रोता, मैं दुखी होता। परमेश्वर के नजर के सामने वो बेटी, मेरा गिलती वो देखेगा चलेगा, मेरा गिरावट वो देखेगा चलेगा, वो कहते तू देख लो मुझको, वो कहता ध्यान दे, उत्तर दे, मेरे आंखों में जो ध्यान दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी, बेड़ा कतरा में मैं पड़ जाएगा, कलीसिया सो जाएगी, दुश्मन दुश्मन जय पाएगा, परमेश्वर परमेश्वर के जय लज्जित हुआ हो जाएगा। हमें प्रभु के नजरों के सामने बैठे वो हमें देखने दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नंगा है तो भी आधा मांगा, तू मेरे सामने आ, तू पहला आ जाएगा, मेरी दृष्टि में तेरे ऊपर लगाऊंगा, अगर मैं चाहूं तो प्रभु उसकी दृष्टि कभी भी मुझसे फेरेगा नहीं। His eyes will continue to behold me if I insist upon it. Oh Lord, examine me. Lord, look upon me. ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, पहले मैंने शुरू किया अब मैं प्रबल हो गया, मेरा दुश्मन ऐसा ना कहे मैं विरोध करूंगा। ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। उनका वचन कहता है ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो जाए। उसके बाद में आप एक अध्याय पढ़ेगा तो उसमें हमेशा परमेश्वर ने लिखा है वो मेरा चट्टान है। आज मेरे को सब वो सब पढ़ने का था, लेकिन मैं हमेशा सोचता बहुत कुछ वचन इधर लिखता, फिर मैं घड़ी देखता, उसके बीच में कहानी आता और खुद का बड़ापन आता, उसके बाद से समय नहीं मिलता। आज तो बड़ापन नहीं ले सकते, एकदम गिरा हुआ इंसान है, क्या बड़ा बन करेगा। तू भी वाले का, तू मेरा चट्टान है, बार बार क्यों कहता तू मेरा चट्टान है, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा चट्टान है, ये बार बार इसलिए कहता कि मैं कैसे भी क्यों ना हो मैं गिरूंगा नहीं। मैं नहीं हो सकता, मुझ में अभिषेक की कमी होगी, मुझ में वरदान नहीं होगा, मैं एक श्रेष्ठ दास नहीं होगा, लेकिन मैं चट्टान पे खड़ा रहूंगा। चट्टान
मुझको नहीं उड़ा सकता, अग्नि मुझको नहीं चलाएगा, मैं मजबूत दास हूं उसके कारण नहीं है, मैं अभिषिक्त दास हूं उसके कारण नहीं है, मुझ में विश्वास बहुत है उसके कारण नहीं है, मैं चटार के भीतर मैं अपने आप को छुपाता हूं। तब मैं उसको देखूंगा। पिछले द्वार को हमने अगर याद दिया तो वो सब परमेश्वर को कहता। मिस्र देश के लोगों ने एक बात सुना है, तू उसके संग चलता, वो ठीक है। और एक बात सुना, उन्होंने सुना है कि वे तुझको देख के चलता, अदृश्य परमेश्वर को देख कर चलता, वॉकिंग अंडर हिज आईज इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसेडनेस ऑफ ए सेंट। इंसान के नजर के सामने इतना अच्छा नहीं हुआ तभी चलेगा। मेरा प्रिय भाइयों, सुनने का प्रयास करेगा तो अच्छा है। हमें किस इंसान का सर्टिफिकेट चाहिए, किसका प्रमाण पत्र चाहिए? इसलिए मैं कभी कभी बड़े घमंड से कहता, अगर मैं ये आराधना में चले आता या दोनों बाजू में लोग खड़े रहे, और जैसे शिमई और उसके लोग दाऊद के विरोध में कहा, मैं खुश हूंगा। मेरे प्रिय भाई, मैं सच कहता, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार लोग, मेरे कलीसिया के सारे लोग मुझको शामिल कहे, गिरा हुआ इंसान कहे, बेकार इंसान कहे, कुटिल इंसान कहे, जब तक परमेश्वर उसका नजर मुझसे हटाता नहीं है, अगर उसके ज्योति में बैठने के लिए प्रभु मुझे अनुमति देता, मैं खुश हूं। हमेशा लोगों को कहता, प्रभु की उपस्थिति मुझे नष्ट हो गया, पागल हो जाता, पता नहीं ऐसे मनुष्य को प्रभु क्यों, ऐसे मनुष्य से प्रभु प्यार करता, मेरे पास उसके लिए विवरण देना मुश्किल है। हमेशा मैं एक ही उत्तर पाता, प्रभु अगर ऐसा करता तो दुनिया के सामने ये स्पष्ट करना चाहता, सबसे नीच इंसान से भी मैं प्यार करता, दूसरा कोई कार्य। इसलिए मैं कहता, insist upon God's guidance, insist upon His eyes staring at you, watching over you all the time। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखे, कारण जानते हो, कारण जानते हो, हम तेरी करुणा पर भरोसा है प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने का लायक मैं नहीं हूं। पिछले दिन में यह समझाने का प्रयास किया, परमेश्वर पर भरोसा रखने का लायक में नहीं हो, वो धर्मी है, वो पवित्र है, उसे कुछ पाने के लिए, उसे सभी पाने के लिए भी मुझको योग्यता नहीं है, लेकिन उसके करुणा महा समुद्र से ऐसा दिखाई देता, उसमें मैं आश्रय लगाता। जो कोई उस पर ऐसा आश्रय लगाता, उसके ऊपर प्रभु की दृष्टि बने रहता। मैंने कल ये बात सीख लिया प्रभु का वचन से, जो सबसे निर्बल जीवन बिताता तो गलत नहीं है, जो बहुत पवित्र इंसान है, जो वचन बहुत कुछ जानता, उसके ऊपर नहीं, जो प्रभु की करुणा के ऊपर आश्रय लेता, उसकी ओर से प्रभु उसके दृष्टि हटाकर, कारण जानते हो, उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसमें बल नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है, वो युक्ति के ऊपर नहीं चलता, इसलिए प्रभु उसकी नजर उसे हटाता नहीं है, वो अकेला नहीं चल पाता, और वो ये बात को कबूल करता, मे वी नॉट टेल हिम आई एम द मोस्ट हेल्पलेस मैन विदाउट यू लॉर्ड, आई डोंट नो द वे। पिछले दिन प्रभु ने कहा, मैं अंतों को चलाऊंगा, कैसे चलाएगा, ऐसे मार्ग से चलाएगा जो मार्ग के बारे में उसको कोई कल्पना भी नहीं है। अंते परिचित मार्ग से चलते हैं, अंते स्टेप्स गिन के चलते हैं, 50 कदम उठाने के बाद भाई बोलने का है, ऐसे चलते हैं। प्रभु कहता नहीं, रुक कर बना बाबा रखिर भूलि गो, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बंद लगाओ प्रभु के ऊपर, ताकि दुश्मन प्रबल न हो जाए। ये किसके ऊपर उसके नजर लगा रहा था, जो करुणा पर भरोसा,
मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा, गाड़ी से नहीं, मकान से नहीं, रिजल्ट से नहीं, जीवन की हर तरह की सौभाग्य और खुशी से नहीं, तेरे उद्धार, तेरे उद्धार, उससे बढ़कर जीवन नहीं कुछ नहीं है। उसने हमारा उद्धार किया, पर उससे क्या नहीं पाया। अनेक लोग पूछते प्रार्थना में, आप भी कुछ नहीं पाया, मुझे दुख होता, दुख होता। हम प्रभु के संग चलते हैं, खुशी से भरे जीवन हमें मिलेगा, उसके लिए नहीं है मेरे प्रिय भाई। प्रभु ने कई बार मुझको ये बात समझाया। अनेक लोग सिखाते हैं कि परमेश्वर के हित के अनुसार चले हो तो जीवन में खुशी ही खुशी है, मुझे नहीं मालूम। और उसके कहते हैं मेरे जीवन में लड़ाई ही लड़ाई है। अब परमेश्वर के हित के अनुसार चलता एक कलीसिया, परमेश्वर के हित के अनुसार चलता एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर के हित के अनुसार सेवा करता, जरूरी नहीं है कि उसके जीवन में बड़े खुशी और आनंद होगा और इतने पैसा आएगा, लेकिन वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेगा। पिछले दिन प्रभु ने मुझको पूछा, वेयर इज योर आइसक, इज योर आइसक ऑन द ऑल्टर, आपका इसहार कहां है, वो वेदी पर है क्या, वेदी पर है तो अनुग्रह ही अनुग्रह है, आपके लिए नहीं है, अनेकों के लिए है। इस वाक को बलि चढ़ाने से अब्राहम ने कुछ खुशी नहीं पाया, लेकिन मैं उद्धार पाया, आप उद्धार पाया, सारे जाति के लोग आशीषित हुआ। प्रभु ने हमें समझाया ये बात, आंसू की तरह इसे तुम कुछ लोगे, तेरे लिए नहीं है, पीछे आने वाला रहेगा कि लोगों के लिए आशीष का कुंड बनेगा। जब तेरा वारस खाता, प्रभु ने बार मुझको ये बात सिखा, मेरा आंसू सूखता नहीं था, एक दिन तक आंसू नहीं सूखता था। प्रभु ने कहा कि तेरा आंसू कुपी में नहीं भरना, तेरा आंसू तो मैं बड़ा भरनी में भरता है, एक आंसू का एक कण भी एक परमेश्वर का दास का दासी का एक कण भी नष्ट नहीं होगा। आपके लिए नहीं है मेरे भाइयों, परमेश्वर के हित के अनुसार एक मंडली आगे बढ़ता है तो मुझे अच्छा है, बढ़ोतरी होगा, नहीं हुआ तो भी क्या, प्रभु की इच्छा पूरा होएगा। प्रभु के जो प्रबंध, प्रभु ने जो किया है, जो योजना बनाया है, उसके अनुसार मेरे जीवन को जाए। रात को स्टीफनोस के दोस्त को बहुत मुझे सताया, क्या आदमी है वो, प्रभु को वचन में लिखा इतना अभिषेक की पूर्णता में नहीं, और उसको सेवा का ही क्या मिलता नहीं। मुझे इस सेवा का ही मिले तो मैं खुश हूं। बेकार की सेवा सांभर ना लगे तो कोई ताली बजाते क्या, क्या रे नमक नहीं है बोले, मेरे जैसे आदमी है तो बोलेगा तो इसमें मिर्ची है बोले। प्रभु की दृष्टि सदा सर्वदा उसके ऊपर लगे रहने के कारण उसका मुख चमकता, वही परमेश्वर के दास यहां कहता मेरा मुख में तब चमक आएगा प्रभु, जब तेरी दृष्टि मुझ पर। मैं प्रभु को कहता मुझे नहीं चाहिए, मुझे बड़ा सेवकाई नहीं चाहिए, मुझे बड़ा बड़ा कामयाबी नहीं चाहिए, तेरा मुख तेरी दृष्टि उसे नहीं हटाना, मुझको उसके सामने बैठने दे, तेरी खूबी देखकर बैठने दे, तेरी महिमा का दर्शन पाकर बैठने दे, तेरी दृष्टि से तू मुझको मत हटा, मैं ऋणी दो नीच हो, किसी का आदर के योग्य नहीं हो, निंदित और पीड़ित हो, लेकिन तेरी दृष्टि से मुझको ना हटाना, एक पल के लिए भी नहीं हटाना।
जो प्रभु की करुणा पर आश्रय लेता है। प्रभु हमें कैसे चलाते हैं मुझे पता नहीं, अब पिछले दिनों की याद करोगे तो प्रभु कैसे हमें चलाता है। वो हमारा प्रभु है, वो प्रभु दा करता है, मनमानी करता है, उसका हित पूरा करना चाहता है, लेकिन वो करता तो मेरे ऊपर भरोसा रख सकते हैं, तो अपने आप को मेरे हाथ में सौंप सकता, क्योंकि एक करुणा इतने महान परमेश्वर के पास। मेरे प्रिय भाइयों, कुछ शब्द कहने के लिए मैं नहीं कहता, कई बार मैंने आपको कहा और ये बात सच है, यहाँ जितने भी लोग बैठे उनमें से बहुत सारे लोग उससे ज्यादा प्रभु के करीब होकर चलता है, मैं जानता ही है, उससे ज्यादा प्रभु से प्यार करता है, उससे ज्यादा प्रभु से सुनता होगा, उसे मुझको जलन नहीं होता, जलन नहीं होता। मैं एक बार एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता, उसकी कमजोरी की अवस्था में मैं प्रार्थना करता, मैं प्रार्थना करते करते मेरे सामने आता कि प्रभु मुस्कुरा कर कहता, He is more precious to me than you yourself. तुझसे ज्यादा वो मेरे लिए कीमती माने। मैं नाराज होगा, आनंद से भर गया। प्रभु ने ऐसा नहीं है कि संतों को छुपा कर रखा है, अनेक संतों को हमारे बीच में छुपा कर रखा होगा, नहीं जानता है, लोग नहीं जानते, चलता जो अच्छा तीर है ना, वो हमेशा उसको छुपा करता, कश्म छुपा कर रखता, वो लेके इससे चलता है, सही समय आएगा उसको पॉलिश करके रखता है, वो चलाएगा उस पर के छाती को छेदेगा, वो अब ऐसे तीर है, दुनिया से छुपे रहे, परमेश्वर की दृष्टि से अलग नहीं होने दे, जो उसकी करुणा पर आश्रय ले, उसके ऊपर प्रभु की दृष्टि लगे रहता है, बने रहता है, मांगे बढ़ता है। ये तो पढ़ के जाने का ही है, यहोवा को वो आह्वान दे रहा है, किसके लिए आह्वान दे रहा मालूम है, तू आ, तेरा दृष्टि मुझ पर लगा, तू मुझके पूरा पूरा जांच ले। दुनिया हमें जांचते हैं, परखते हैं, तो दुनिया का काम वही है, उससे हमें कोई फायदा नहीं है, मैं मेरे हृदय को परखने से भी ज्यादा फायदा नहीं है। इसलिए दाऊद कहता, प्रभु छिपी हुई पाप से मुझको बचा, क्योंकि जब मैं परखता मेरे जीवन थोड़ा सा सही रहता। मैं बचपन से अनेक लोगों के मुंह से सुना, ब्रदर मैंने कुछ गलती नहीं किया है, ब्रदर हमारा परिवार ने कुछ नहीं किया है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैं परखता हूं ना, इसलिए प्रभु की दृष्टि मेरे ऊपर बने रहने चाहिए। It is far better to allow the Lord's eyes to examine my life and reveal all that is within rather than I searching my heart. मैं नहीं खोजूंगा, मैं नहीं परखूंगा, प्रभु तू परख ले, तू जांच ले, let us invite him into our lives. वो प्रभु है, he will have the control, he will have the last call. लेकिन वो दयालु है, दयालु है, वो तोड़ता नहीं है, अगर वो तोड़ता तो बनाने के लिए है। अपने घर में कुछ थोड़ा, अब इतना गंदा लगता है, मेरा लड़का भी बोलते ये क्या है ये सब, ऑल रबल्स ऑल ओवर, इतने सब होता हो, लेकिन वो मिटाने के लिए नहीं है, बनाने के लिए। तोड़ने वाला आदमी भी मुझको बोलते ये क्यों तोड़ते हैं, और मुश्किल है, एक तो नामुमकिन बोल के चलते हैं, शाम होने के बाद बहुत जल्दी होने के बाद बोलते अब कितनी कितनी शांति, बड़ा प्रभु ऐसा कार्य करता है।
हमारे समझ में नहीं आएगा। इतना गाना तुम्हें किताब में कल रात को आया, मैं किताब में ढूंढा मुझे मिला नहीं। आप लोग को बहना आप लोग आओ यंदे देवो स्वर्ग सिंहासन தன்னில் என்னில் கனி என்னே ஓர்த்தீடும் பரமேஸ்வர் கே தாஸ் கேதே ஸ்வர்க சிங்காசன் மே பைட் கர் மேரா பரமேஸ்வர் முஜ்ஸே கை குணா ஜாதா மேரா கயால் கர்த்தா கவா கவா அம்பேன் உஸ்கி திருஷ்டி ஹமாரே உப்பர் பெதே ரேனே மாதா பிதா கேளோ விடோ தனங்களோ வஸ்து சுகங்களும் கர்த்தாவத்ரே இதுமே கால் போர் சாலுக்கி பாத் கல்மே காயம் மன்மே காயம் மத்தா பிதாவோ சாரா சம்பத்திகோ சக்குஞ் பிரபுத்து மேரா ஹே இச்சே வடிக்கிறேன் சே उसकी दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। एट द वर्ल्ड एग्जामिनर्स, एट द वर्ल्ड रीच एंड देयर ओन कंक्लूशंस, हमें उसका कोई विरोध नहीं करना है। दुनिया कुछ भी सोचने दे, दुश्मन कुछ भी कहने दे, हम प्रभु की एक्सरे के सामने अपने आप को बिठा देंगे। रूखा नमा इफ ही एक्सपोजेस मी ही विल क्लोथ मी, इफ ही फाइंड्स मी नेकेड ही विल रोब मी। अगर मैं नंगा पाया जाए वो मुझे पहनाएगा। इट इज बेटर टू बी एग्जामिन माय हेड रादर देन द वर्ल्ड रादर देन माय नोन आईज। मेरे दृष्टि में इसलिए पौलुस कहता मैं परख के देखता तो कोई कभी नहीं, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि मुझमें कमियां नहीं है। आप लॉर्ड एग्जामिन उसकी दृष्टि करुणा से भरी दृष्टि है, तोड़ने के लिए नहीं आता। जैसे टीचर आता है जिसने बात किया उसको सजा। हमारे क्लास में अभी देखा हिस्सा समझी जा पर एक पड़ोसी लड़की थी वह कमू से एक शब्द नहीं निकलता कभी, एक पहले भी बताया ना एक शब्द नहीं निकलता उसका उससे। तो क्लास में फोर्थ में हमारे स्कूल में आई हूँ, दूसरे जगह से ट्रांसफर होकर इसको वापस तो मेरे क्लास में आया अनुति। एक तो मेरा पड़ोसी उसका पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दिया। मैं कोई लड़की को जमाने में अभी छोड़ गई नहीं बात देना। तो मेरे को बोला ये लड़की को कर बोले मैं जैसा बेल हो गया मैं भाग गया, लड़की को उधर छोड़ा, लड़की क्लास में बैठ जाए। तो उसकी माँ मेरी चिड़ती सन्नी बंद हो मेरी माँ को पूछते सन्नी आया क्या, बोला हाँ कब का आया, एंड बोलो मेरी बेटी का है ना ये स्कूल मिंट बोला तेरी करी ना नहीं मेरे को पाजी पूछे मारे मेरा ऐसी लड़की उसके कहानी बहुत सुंदर है। छोड़ो वो सब बोलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये लड़की एक शब्द नहीं बोलती। मैं क्लास का मॉनिटर हूँ ठीक है। एक दिन टीचर बोला सनी पूरा दिन देखो अगर इसका मुंह से एक शब्द नहीं निकला तो उसको मैं क्लास के बाहर डाल देगा। उल्टा होता है क्लास में बात करने वाले को क्लास का मैं पहली बार टीचर लोग कुछ पूछे कुछ नहीं। आजू बाजू से बच्चे लोगों से एक शब्द नहीं, एक शब्द। तो टीचर बोला कि ये मूर्ति को तोरा जीवन देना है इसके लिए तू देखो। मैं देखकर मैं सोचे इसको बाहर क्यों डाले। मेरे को पूछा हाँ एंड ऑफ द डे कुछ बात किया है ऐसे लगता ये प्रभु ऐसा नहीं है, ये प्रभु ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों you can so comfortably with great boldness place yourself under his eyes. और दूसरे किसी के दृष्टि के नीचे रखोगे या मार खाओगे
आप प्रभु के दृष्टि के सामने अपना जीवन रखो। आमेन। कबूल करेंगे हम कबूल करेंगे जो भी वो कहता हम कबूल करेंगे। तूने मेरे हृदय को जांचा, पूरे रात को मुझे देखा, इतवार को आराधना में नहीं देखा, अंधकार की घड़ी में तूने मुझको देखा, जब मैं चुपचाप अकेला था तो तूने मुझको देखा, तू मेरे हृदय को जांचा है, सही है? मैंने ठान लिया कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी, मेरे मुंह से गलत शब्द नहीं निकलेगा। मैंने निर्णय लिया है प्रभु, मानवीय कामों में से मेरे मुंह बचने को बचाने को, मेरे मुंह में तेरे वचन के द्वारा क्रूरों से विचार से अपने बचा, हमें बचा कर रखने का एक ही मार्ग है, उसका वचन, दूसरा कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं, कितना भी सोचो उससे कोई हाल नहीं निकलेगा, वचन कार्य करता है, वचन के संतान बनते हैं, हम अपने आप को वचन के अधीन करते हैं, हम ये वचन को हमारा तलवार बनाते हैं, हमें जीत नहीं होगा, हमें जीत नहीं होगा, मेरे पांव तेरे पदों में स्थिर रहे, किस तरह हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तूने मुझे, तू मुझे उत्तर देगा, अपना कान मेरी ओर ले, कान कर मेरी विनती सुनना, अपनी आंखों की पुत्री के समान मुझे सुरक्षित रखा, तब ना सिर्फ उसकी आंखें हमें देखेगा, हाँ उसकी आंख की पुत्री तरह रखा जाएगा। That is the blessedness of a seed. That is the blessedness of a seed. Don't just fall in love with him. Walk in love with him. इतवार की आराधना में जो परमेश्वर से मेरे दिल में प्रेम होता वो नहीं, उससे बढ़कर उसमें चलता रहना मैं चाहता हूँ, प्रेम में चलता रहना मैं चाहता हूँ, प्रेम में चलते रहोगे बढ़ते जाएगा दर्शन, बढ़ते जाएगा जीवन की ऊंचाई, बढ़ते जाएगा दुश्मन लज्जित किया जाएगा। हमारे जीवन में दो लक्ष्य है, हमारे जीवन में दो लक्ष्य है, एक तो दुश्मन को लज्जित करना है, परमेश्वर को गर्वित करना है। इफ एवर आई कैन डू माय लॉर्ड प्राउड, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। जैसे परमेश्वर, जैसे यीशु स्वर्ग से देखकर एक एक दूध को बुलाकर दिखाता, देखो स्टीफन की ओर देखो, पौलुस की ओर देखो, पत्रस की ओर देखो, मेरा जाना व्यर्थ नहीं हुआ, मेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं हुआ, कर दे मेरे विषय में, कर दे आप हरेक के विषय में, अब्राहम के विषय में उसने कहा, परमेश्वर को गर्व करने वाला एक दास या दासी में मिल जाओ, भरको प्रभु मुझको और भरको प्रभु, हमारे घर में एक आदमी काम करता है, एक नहीं बहुत सारे लोग काम करता, हमारे घर बोले वो जो रानी का बड़ा महड़ा काम काम काम, उसको बोलेंगे इधर एक क्रैक है, उधर ये है, इसको तोड़ के ठीक करते हैं, बाद में आके वो क्या करते हैं मालूम है, सांप जगह तोड़ के, मैं बोला तूने क्या किया भाई, बोला बोलते हैं कि साहब आपने जो क्रैक इधर देखा था ना उससे बहुत बड़ा क्रैक उधर था, आपने कभी देखा नहीं, ये पहाड़ जैसा कोई तरफ उसने गिरा दिया, मैंने नहीं देखा, उसको देखने दे, वो तोड़ के छोड़ेगा नहीं, बनाएगा वो, मजबूत बनाएगा वो, इस जीवन को बनाएगा वो, जो परमेश्वर के करुणा पर आश्रय रहता है उसकी दृष्टि पर लगे रहता, that has never remained hidden from us, ये निक्यु मरवाई रिपो യേശുവേ ഇന്നും എന്നും ആരാധിപ്പേ.
मुझको मुझसे छिपा नहीं तू रहता प्रभु, इसलिए मैं भी आराधना करूं। छुपाएगा नहीं, अपने आप को छुपाएगा नहीं। मैंने छुपाया, मैंने वृक्ष के पीछे गया, अपने आप को छुपाया। मैं मेरे नकाम्पन के कारण परमेश्वर से, परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को छुपा कर रखने का प्रयास किया। वो नहीं चुपता, वो आता। आमीन, आमीन। मैं हमेशा ये बात के ऊपर बड़े अद्भुत वार हो कि यहोवा उत्तर कर आया। ये बात मेरे समझ में अभी तक नहीं आया। यहोवा को श्राप देना तो आसमान से श्राप नहीं दे सकता क्या? इन लोगों को एदन के बाहर करना तो यहोवा कार्य की जरूरत है। शाम को सजा देना है तो यहोवा कार्य की जरूरत है। जिसकी दृष्टि उसके ऊपर लगे रहता था, वो दृष्टि से उन्होंने अपने आप को छिपाया था। वो आता, उनको फायदा ले आता। एक की पात्र कारण था उसको, दूसरा कोई कारण नहीं है। कोई भी कुछ भी प्रचार क्यों ना करे, एक मात्र कारण था कड़ुओं को खड़ा करने के लिए, उसको आने की जरूरत नहीं है। शाम को साबित करने के लिए उसको आने की जरूरत नहीं है। उसको फायदा ले आया वो, ताकि शैतानों के लिए ना उठाए। मेरा दुश्मन मुझ पर प्रबल ना हो जाए। अपने पंखों तले तो छिपा ले, परमेश्वर को पंखे हैं क्या? उसके पंखे उसकी करुणा है, कि पंखे उसकी करुणा है। इसलिए बोवस कहता है रूथ से, तू परमेश्वर के पंखों तले आश्रय ले। प्रभु ने पिछले दिन कहा, प्रभु आके मुझसे कुछ नहीं कहता, मैं वचन में देखता। फिर आप लोग ऐसे कभी नहीं सोचना है कि अरे इससे प्रभु बात करते हैं जैसे हमसे करते हैं। नहीं करता, वचन से देखता। नवोमी बनो, नवोमी परमेश्वर नहीं है, नवोमी कुछ नहीं कर सकता। नवोमी सिर्फ उसको बोलता बोवस के चादर के नीचे अपने आप को लेटा। नवोमी खुश होती है उससे। नवोमी का हाथ में नहीं है कुछ सामर्थ्य, नवोमी में अभिषेक नहीं है, नवोमी में वरदान नहीं है, नवोमी में कुछ सम्मति नहीं है उसको संभालने के लिए। लेकिन नवोमी जानता हालेलुया, नवोमी एक अगुवाई है, एक उपदेश, एक सलाह है। तू जाओ, कभी कोई गुरु हमें नवोमी के स्थान में खड़ा करता, बड़ी खुशी से वो स्थान ले लेना, बड़ी खुशी से स्थान ले लेना। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हजीरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारे के घर से भाग आई हूँ। तू दासी होगी, पराए शहर के होंगे, विदेशी होंगे, श्रापित जाति के होंगे, लेकिन तू साराई की दासी है। पिछले दिन हमने नहीं सुना, मैं तेरा दास, अगर उसकी योग्यता नहीं है तो कम से कम तेरी दासी का बेटा, बेटा का हूं मैं, तेरे झुंड का हूं मैं, तेरे कलीसिया का हूं मैं।
इसलिए दृष्टि उत्पन्न है। आमेन। प्रभु भाग जाता तो भी दृष्टि है मेरे प्रिय भाइयों, भटकता तो भी दृष्टि है। His eyes will follow me. I can never reveal hidden from his eyes because I had put my trust in his mercy. ये दासी का आश्रय सहाई थी, सहाई का दीन है वो। जो दृष्टि मालकित के ऊपर है, मालकित से भागने वाली बच्ची के पीछे भी वो लगे रहता है। यस, हालेलुया। अब धन्य है प्रिय भाई और बहनों, धन्य है। प्रभु ने हमें कलीसिया का भाग बनाया है, प्रभु ने अपने झुंड में लेकर आया है। बाकी सब कहानी आपको मालूम है। तू साराई की दासी है तो हजीरा जरूर है, लेकिन उससे कई गुना बढ़कर तू सराई की दासी है। तू मुझको नहीं जानती, मैं जानता हूँ पापा। I know you. तू वापस जा भैया। वहां एक कुआ, क्या है कुआ, दिखाई दिया भैया। उसने उसको एक सुंदर नाम, आप पढ़ो लास्ट बात पढ़ो, बीच में का सब छोड़ो। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआ पड़ा, वह तो कादेश और भरत के बीच में है। एक कुआ, नया नाम लिया, मान लिया नया नाम लिया। अनेक हजीरे लोग वहां आएंगे, अनेक लोग पिएंगे और उनको ये याद दिलाया जाएगा यहोवा की दृष्टि तुझ पर है। अच्छा हुआ ऐसी अवस्था में आया, अच्छा हुआ। मैं जगत का नामकरण करेगा। Amen. My fall will be a spring of blessing for others who follow after me. Yes, Amen. आपका पराजय का स्थल अनेकों के लिए आशीष का कुंड में बदल दिया जाएगा। उसके नामकरण किया जाएगा। The passage Bible always say, यहोवा की दृष्टि मुझ पर है। आप उसके सम्मुख खड़े रहोगे तो you will also see him। हालेलुया। जिसे वचन में कहता जो तुझको देखे रहता एक दिन तुम उसको देखेगा। I will see him face to face। मेरा बड़ा भाई का बड़ी फेवरेट गाना हमेशा वो इस करके भी सुन, मैं उसको मुखामुख देखूंगा। क्योंकि वो मुझे हमेशा देख के रहता। I will also turn my eyes up, I will lift my eyes up to him, let our eyes meet, come on। हालेलुया। जगत का नामकरण हुआ, अब वहां अधिक समय खड़ा नहीं रहेगा, वहां शिष्य का कुंड गिर गया। बाइबल आप ध्यान से पढ़ोगे तो कितनी बार ये जगह और ये कुआ का नाम लिया जाता है, वो आशीष में बदल दिया गया। किसने नामकरण किया? हजीरा भागने वाली है, नहीं सराई से। मेरी दृष्टि हे प्रभु मुझको परख, तेरी दृष्टि मुझे ऊपर लगे रहने दे। आगे बढ़ते हम टॉवर्स पे आते हैं। तब उसने सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। इसका हालत उससे भी खराब है, इसका हालत हजीरे से भी खराब है। बहुत गुनाहगार है ये लड़का, बहुत गलत काम कर भाग रहा है। तकिया पे तकिया के लिए पत्थर देवता, उसका पिताजी के ऊपर जिसका दृष्टि है वो दृष्टि उसको पीछे कर रहा था। ये भाइयों अतीत बने रहता है,
और परमेश्वर का थीम बने रहते हैं, कलीसिया का थीम बने रहता है, दृष्टि पीछा करता रहेगा। और जाने से पहले सीढ़ी लगाया, दर्शन देखने के लायक में नहीं है वो, प्रभु से सुनने के लायक में नहीं है, प्रभु से बातें करने के लायक नहीं है, इसलिए सीढ़ी उतार कर दूतों को वहां खड़ा किया है वो। Angels were waiting. Even that hour of dismay and of frustration, failure, nearly believer, my failure does not drive him away. It brings him closer to me. मेरे पर आज उसको मुझसे हटाता नहीं है, उसको मेरा लेकर खींच लेता। I will experience his closeness much more than ever before. There was someone stooping down and looking at him. सीढ़ी के ऊपर एक परमेश्वर का पुत्र दृष्टि लगा कर खड़ा था। He's blessed to be always under his eyes. हम उसके दृष्टि के सामने रहेंगे, उसकी दृष्टि जो करुणा पर आश्रय रहता उस पर बने रहता। उसने देखा, उसने कहा ये साधारण श्रापित जगह नहीं है। This is not the worst tower in my life. This is not the worst place when I submit myself to his will and to his guidance. This will become a Bethel. ये Bethel बन जाएगा, नहीं है? Yes. दोबारा वो जगह को ढूंढ के जाएगा। अनेक जगह का नाम Bethel बन गया है, अनेक कलीसिया का नाम Bethel है, मेरे पराजय का जगह है वो, मेरे श्राप का जगह है वो, उसके दृष्टि के कारण है। उस शहर का नाम पहले क्या था मालूम है? लूस। एक वही डाले करते लड़की के नाम होता अभी ये सब बेकार की चीज कहना रिकॉर्ड हो रहा मेरे बेटा भाई खाई वो तो सब जोक से बोलता है, वो ही नहीं रहा, वो मेरे को बोलता है वो सच का भी। वो जमाने में लेडीज टेलर अलग, मेंस टेलर अलग, ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा क्यों है? क्योंकि वस्त्र में ज्यादा फर्क नहीं है तो मिक्स होने की चांसेस के लेडीज का टेलर ये सब चीज अब एक ही टेलर सब सीखी सी था। तो मेरा भाई भी उधर गया था, मेरा भाई बोलते है एक लाख रहता तो उसको ये पूछते ए लूसी ये तेरे लिए लूस है क्या? गाना हमने बनाया और हम लोग गाता था, कभी भी लूस कपड़ा पहने गए तो मेरा बड़ा भाई ये शुरू किया कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि रास्ता नहीं। But now, बदल गया, बदल गया। हाँ। ये शहर किसका मालूम है? कनानी का शहर है, एक कनानी का शहर है, दुश्मन का शहर, वहां स्वर्ग का द्वार बन जाए। So cannot no teardrop of mine will be wasted up. No battle of mine will be useless. आपके जीवन के कोई भी लड़ाई, कोई भी आंसू, कोई भी परेशानी, कोई भी पराजय, कोई भी नुकसान, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट, कोई भी संकट,
उन सब में से एक की वचन। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। वो परख था, वो खोज था, उसको नाराज करने वाली बात ये था। मेरे प्रिय भाइयों, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेगा तो अच्छा है। ये वचन सब लोग बहिगाट जाता है, हर उपवास की प्रार्थना में, हर प्रार्थना की सभा में, हर बिछुई में ये वचन क्या करता। मैंने भी ये वचन पढ़ा। प्रभु ने कहता कि मैं देखा बहुत सारा दुष्ट लोगों को देखा, इसलिए मेरा मन व्याकुल हुआ। मैंने व्यभिचारियों को देखा, मैंने भड़कने वालों को देखा, मैंने झूठ बोलने वालों को देखा, मैंने देखा मेरे जन को कोई भी परवाह नहीं करता। न हो मैं प्रिय भाई, मैं रो रो कर कहता इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। एक मनुष्य की गलती से कुछ नहीं होता। शैतान को पहचान, दीवार बना, दीवार बना, कोई ख्याल नहीं करता। The devil someone who cares. The devil someone who cares. प्रभु कहता I was surprised. Nobody cares. We care. अब ख्याल करते हैं, अब प्रार्थना करते हैं, अब दीवार बांध देते हैं, अब दुश्मन को घुसने नहीं देता। परमेश्वर का दास, आज एक परमेश्वर का दास कह रहा था, वो दास जिसका मैं हमेशा तारीफ करता, सब देखो उसका तारीफ है। तारीफ करता वो जब कलीसिया में 1983 में, 1983 में वो कलीसिया सेवकाई शुरू किया था। 22 जन वहां, 22 जन प्रभु भोज की सभा उस दिन। दारू पी क्या है प्रभु? नाराश हुआ, दुखी हुआ, घर में आके वो रोकता था, ये क्या, ये सब, ये किधर, ये सब कहीं नहीं चाहिए हमें। प्रभु ने कहा, प्रभु ने उसको बुलाया, ये पागल, नहीं बुलाया तो मैं कहता पागल की तरह रोता क्या है? दीवार बांध उसने कला का दीवार बांधा। अबे 50,000 परिवार है आज कलीसिया में, 50,000 परिवार है। इफ वन मोसेस विल स्टैंड अप, 30 लैक्स ऑफ पीपल विल क्रॉस अप हम खड़े हो जाएंगे, हम दीवार बांधेंगे, हम बेनती करेंगे, अब एक दूसरे को मजबूत बनाएंगे, अब शराब नहीं देगा, अब दोषारोप नहीं करेगा, खड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा कि जो व्यक्ति मेरे दृष्टि में गुण नहीं करे वो मुझसे ज्यादा कीर्तिमान है प्रभु के लिए। मैंने ऐसा नहीं एक व्यक्ति को देखा, प्रभु कहता कि इस मोप्रशिष्ट में इतना मैं कीर्तिमान समझता हूँ उससे कई गुना ज्यादा। Everybody is so precious to him. प्रभु कहते हैं हर व्यक्ति मेरे लिए इतना कीर्तिमान है, इसलिए मैं 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता। Just as precious is 99 people are to me. The lost one, the stray one is more precious, if not the same. हमारी बढ़ते हैं, आप 63 में आते हैं, 5वां वचन पढ़ते हैं।
मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इसे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही कुछ बल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। परमेश्वर यहोवा कहता, मैंने देखा, नोबडी केयर्स, चलने दे। कलीसिया बड़ा होता है, बहुत कुछ होता है और गाड़ी आता है, नौकरी मिलता है, सब सही व्यवस्थित चल रहा है। ये परमेश्वर का पुत्र के पास है। मैंने देखा, नोबडी केयर्स, स्टिल आई विल नॉट गिव अप। यस, If you insist dearly beloved that his eyes should guide you and continue to guide you even if the whole world does not care, he will not leave you. Amen, amen, amen. Koi khayal na kare tumhi, koi saath na de tumhi, kata main karunga, kya main karunga. इसलिए परमेश्वर का दास कहते हैं, मुझ पर दृष्टि लगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, तेरे दृष्टि से मुझको चला, तू मुझको परख। साल खत्म हो रहा है, अगर इन दिनों में प्रभु कुछ बात करता है, वो एक साल की समाप्ति में प्रभु हमें सुनाना चाहने वाला संदेश है। You not have so many hours on 31st night. लेकिन प्रभु इन दिनों में जो सुनाता हूँ वो उसके हृदय की बात है। मैंने देखा कोई नहीं था, मेरा बुजबल, मेरा बुजबल आके मैंने उसको सुनाया। अब आगे बढ़ता है, अब 66 में आते हैं। 3 6 नहीं है, 2 6 ही है। 50% क्या आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की जड़ों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो। इतने महान सृष्टि है, इतने शोभायमान तारे हैं, इतने सुंदर स्वर्ग की वस्तुएं हैं, इतने महान सृष्टि है, लेकिन मेरी दृष्टि डूब देता एक ऐसा मनुष्य के लिए, बुद्धि हो दरिद्र हो लेकिन मेरे वचन पर मैं ही जाइस ट्रेस मी आल्सो। जब वो इसे ढूंढता है मैं भी पाया जाए इसके दृष्टि एवं दो उस ट्रबल है किस वो मैं भी पाया जाऊं। He is not happy with the entire creation. Neither does he enjoy all their beauty or brilliance. इसकी आंखें परखते रहता है, कहीं समझ विषय भी नहीं मुझको जो मेरा वचन पर तरतरा है। वचन पे तरतराने का मतलब क्या है? जो बोलता वो करूंगा। मेरी युक्ति नहीं रहेगा, मेरा बुद्धि के अनुसार नहीं करेगा, मेरे विवेक के अनुसार नहीं करूंगा, जो उसका वचन कहता खास करके मैं जीवन में ऐसा किया होता तो मैं बहुत आशीष पाता। मेरे बड़े भाई और बहनों, एक टूटा हुआ इंसान अगर आपके सामने खड़े होकर ऐसे बात करता है, मुझे अनेक बात याद आता। बहुत सारे लोग और मैं भी परमेश्वर के बातों को नष्ट किया है, अहिंसा ऐसा न हो जाए। मेरा पराजय आपका विजय में बदलता है, मेरी मूर्खता आपको बुद्धिमानी बनाए,
कष्ट नहीं होता। मैं हमेशा प्रभु को कहते हैं, नो सोलो पाइंट शुड बी वेस्टेड, नो बैटल ऑफ पाइंट शुड बी वेस्टेड। हमारी एक भी लड़ाई, हमारी एक भी दुख, हमारी एक भी आंसू नष्ट नहीं होना है, नष्ट नहीं होना। जो तरतराता है उसे प्रभु प्रसन्न होता है। सिर्फ बेनहिन के ऊपर ही नहीं, सिर्फ बेनहिन के बिलिग्राम के ऊपर ही नहीं है, सिर्फ साधुआया के ऊपर ही नहीं है, ऐसे एक दीन दरिद्र व्यक्ति वचन को मानते हैं, हमारी कलीसिया अपने आप को वचन के अधीन रहता है, इससे प्रभु प्रसन्न होता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये भी हम यहाँ आते हैं। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। देखता रहता हूँ हर एक को प्रतिफल, हमारे चाल के अनुसार है, उद्धार कृपा है, उद्धार दान है, मुफ्त है, प्रतिफल अपने काम के अनुसार है। प्रभु हमें हमारे ऊपर दृष्टि लगाकर बैठता है कि एनीथिंग दैट ही फाइंड्स इन मी व्हिच इज वर्थ ए रिवॉर्ड will be recorded in the book of his memories. उसके स्मरण के किताब में उल्लेखित करने के लिए उसकी दृष्टि उसके जन के ऊपर लगा के बैठता है। Nothing will miss his eyes. Hallelujah, hallelujah. Let his eyes follow after us. Let we examine it continuously by his eyes. Hallelujah. Eyes of compassion, eyes of mercy. हम आगे बढ़ते हैं, 24 में आते हैं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे मैं यहूदी की बंदियों को जिन्होंने मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैंने उन पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रहूंगा। Let us insist upon his eyes for the year. उसने बगा दिया तो भी जब तक उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बने रहे हम लौटाया जाएगा। इस बीच इंसान के जीवन में कितने बार भटकने का अनुमति मिला, क्या मिला? इन दिनों में मैं वो सीख रहा, समय मिला तो मैं आपके साथ पढ़ लूंगा। मैं मांगूंगा, मांगते रहूंगा तो मुझे अनुमति मिलेगा। ये मुझे डराने वाली एक बात प्रभु मुझे सिखा रहा है, अनुमति मिलेगी। मेरे जीवन में भी मिला है, लेकिन प्रभु के वचन के निमित्त मैं अपने आप को समर्पण करता, प्रभु प्रसन्न होता। फिर भी वो दयालु होकर कहता, ऐसी अवस्था में मैं अनुमति दे के तुम भड़क गया तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Yes. What a savior I have in here. What a father I have in here. प्रभु पिछले दिनों में कहा, I'm your father. You know how the heart of my father behaves. I said, I know, Lord, I know, I know. I am glad you are my father.
खुश है कि वो हमारे पिताजी हैं। फादर्स डे होता है, पहले नहीं था, पहले नहीं था, आज के लिए मेरे बचपन में फादर्स डे नहीं, मदर्स डे। जब मैं मुंबई में आया तभी भी फादर्स डे था, लेकिन इधर उसका अच्छा नहीं होता। फादर्स डे करके हम लोग गिफ्ट क्यों रह देता, फादर्स डे कुछ नहीं मिला। पिताजी लोग बहुत क्रूर होता है, कठिन होता है। माय मम्मी इज द बेस्ट मम्मी इन द वर्ल्ड ना, मम्मी बहुत प्यारा होता है। प्रभु कहते हैं पिताजी डांटेगा वो, लेकिन बोझ उठाएगा, सारा बोझ उठाएगा, सारा बोझ उठाएगा, सारा बोझ उठाएगा, सारा बोझ उठाएगा। मैं तुम्हें लाउट लाऊंगा, आई विल ब्रिंग यू बैक। क्यों? उसकी दृष्टि मुझ पर है, मेरा आश्रय उसकी करुणा पर है। इवन नाउ इस अवस्था में भी I invite him, hallelujah, to examine me. Amen. Pani vartha. वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। नाटा होगा चलेगा, बड़ी कामयाबी नहीं है तो चलता, लेकिन दिल में ये आग्रह, ये इच्छा है। भीड़ के बीच में भी प्रभु खड़ा होकर सिर्फ तुझको देखेगा। फैंस बहुत है उसका, बड़े भीड़ है, उसको स्तुति गाते हुए उसके संग उसको चढ़ा के चलाने वाले बहुत है, नहीं है? उसके बीच में भी प्रभु खड़ा हो जाएगा, स्पॉट यू, वो मुझको देखेगा, वो आपको देखेगा। हालेलुया। When this man was struggling to have a vision of Jesus, Jesus had already decided, I will not only look at him, I will go to his house, I will enter into his life, I will take hold of his attention, and I will eat with him, I will sup with him. वो मुझको देखना चाहता, वो आगरे कादर पे खरूंगा, वो मुझको इनवाइट कर रहा है, अमेल तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ना सिर्फ मुझको, मैं उसको एक दर्शन दूंगा, नहीं मेरा मुंह का सिर्फ एक दर्शन नहीं दूंगा, मैं उसके संग चलूंगा, वो पानी के घर में जाऊंगा, मैं उसके संग रहूंगा। इसलिए हम करुणा पे आश्रय रखते जब कहीं तू किस पर आश्रय रखता, यीशु को मुंह दिखाने का लायक है क्या तू? यीशु के पास जाने के लायक है क्या तू? तू इतना नाटा है, कितना भी प्रयास क्यों न करे तू यीशु को देख नहीं सकता, लेकिन वो तुझको देता है। मेरे पिछले दिनों में पिछले दिन इधर कहा, यीशु ने जितने भी महान अद्भुत किया उसमें दो तीन अद्भुत, सबसे महान अद्भुत है वो प्रभु को हमेशा खुश करता है। एक शमरी की नगरी, दूसरी है मात्र नंबर गया, तीसरी है जखाई, किसी को भी कुछ करने को नहीं कहा, समरिया की नारी को कुछ नहीं कहा उसने, उसको जल भी नहीं दिया, उसके लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने सब कुछ छोड़ा, सके एक शब्द नहीं कहा, जगह से कुछ नहीं मांगा, जगह ही बोला मैं छोड़ दूंगा,
नहीं देखता, बत्तस मिटता, कलेसिया का रूपांतर नहीं
नहीं था, वो हमेशा ये बात कहता यीशु कड़ा है, बांधा हुआ कड़ा है, उसके विस्तार चल रहा है, उसके बीच में से हालेलुया, उसकी चिंता नहीं है उसको, वो मरने पर है, उसके बीच में से वो पत्रस को देखा, their life is better and their life was transformed forever. पश्चाताप आ गया उसमें, उसके पहले कौन कौन वो मुझे तो मैं नहीं जानता, तू किसके बारे में बात करता, वो कौन है, नहीं है, लेकिन एक नजर लुक अपॉन मी लॉर्ड, ए माय आईज बी योर सो मस्ट अ चेंजेस माय हार्ट. आमेन आमेन. जो परमेश्वर की करुणा में आश्रय लेता उसके ऊपर प्रभु की दृष्टि बने रहता है. आमेन. प्रभु यीशु One look is good enough. उसकी दृष्टि मुझ पर बने रहे. कितना व्यक्ति मेरे जीवन में होता था पश्चाताप होएगा. जो कथियों किया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ his eyes are upon those. जो दीन है, दरिद्र है, नाटा है, छोटा है, नीचे कुल के है, कुछ भी हो, कितने लोग हमारे सामने आ जाया, इसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि आगे बढ़ते. ये वचन इधर पढ़ने का नहीं था, मुझे उधर पढ़ने का था, लेकिन इधर आते वक्त मुझे बहुत निर्बंध हुआ कि ये वचन इधर पढ़ना है, इसको पढ़ा, कारण मैं नहीं जानता. हम आगे बढ़ते रोमियों में आते हैं. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है. क्योंकि हम बात जान लिया, हमारी प्रार्थना की खूबी से नहीं है. नहीं. परमेश्वर आसमान से हमारे ऊपर दृष्टि लगाता वो भी नहीं है. भीतर भीतर एक सहायक को रखा है. दूर से देखकर मेरे चाल चलन को परखने की जरूरत नहीं. मैं जूना नियम से बाहर आया, मैं नया नियम हूँ. वो कहते तू आज मुझको परखो, तो देखो मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा लेटना, मेरा बैठना, वो शायद तो ऊपर को पड़ेगा, पता नहीं ऐसे ही वचन है, ऊपर ना चाहिए चाहिए वो सब भीतर रहता. मैं जो बोलता वो नहीं सुनता हूँ, मैं जो बोलता वो नहीं सुनता, मैं जो लोगों को कहता वो नहीं सुनता, मेरे भीतर की बात को वो जानता. Blessed be the Lord. Who searched my heart? Chapter. Chapter. मेरे सेवकाई देखकर कुछ लोग कहेगा ये अच्छा सेवक करता, वो नहीं देखेगा. मेरे भीतर जो आत्मा वो देखेगा ये किस उद्देश्य से ये कर रहा है. मुझे लगेगा मैं सही कार्य कर रहा हूं, लेकिन भीतर भीतर जो आत्मा वास करता उसको पता चलेगा What was the motivation? किस चीज से मैं प्रभावित हुआ, और वो आत्मा मेरे लिए प्रार्थना करता. The eyes of the Lord that searcheth my heart are not doing it from heaven far off. Within me, from within me, वो भीतर है. जान How blessed we are that our thoughts which we cannot interpret, our desires which can be deceiving, He knows. Oh, what blessedness it is. Whenever you buy your way, you are blessed. Prabhu ki atma prarthana karta hai. Isliye hum bachte hain. Amen. Hamein lagega hamare vishwas ke karan hota hai. Hamein lagega hamare samarpan ke karan hota hai. अपट नहीं गए इसलिए
पिछले दिन हमने सुना, यिर्मयाह कहता परमेश्वर की करुणा निरंतर बने रहता और दिन व दिन नया होते जा रहा, इसलिए हम नहीं मिट गए, इसलिए पवित्र आत्मा का नाम सहायक होता है, हेल्पर है। हमें आप भी कहेंगे प्रभु तेरी दृष्टि से मुझको ना हटा, तेरी दृष्टि मुझसे ना हटा, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बने रहे, कलीसिया के ऊपर बने रहे, हर परिवार के ऊपर बने रहे, हर परिवार का हर एक सदस्य के ऊपर बने रहे, हमारे संतान के ऊपर बने रहे, हमारे भाई बहनों के ऊपर और परिवारों को बने रहे, मेरे कलीसिया के ऊपर, मेरे जुंड के ऊपर ही नहीं, मेरे देश के ऊपर बने रहे। तल दे कल्लो कल्ले एक चीज का स्मरण करता तो मुझ में एक खुशी आता, क्योंकि उसने कहा है मैं तेरे ऊपर दृष्टि रख कर तुझे चलाएगा, चला प्रभु, चला प्रभु। अब धीर और दरिद्र है, अब भले ही है, कामयाब लोग नहीं है प्रभु, कोई प्रवीणता नहीं है प्रभु, प्रशंसा के लिए कुछ नहीं, लेकिन तेरी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बने रहे, तेरी आत्मा में चलाए, क्योंकि हम तेरी करुणा में आश्रय लेते हैं। आइए प्रार्थना करें।